देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ। वो कंपनी मेरे घर से थोड़ी दूरी पर थी, इसलिए मैं अपना काम खत्म करके वहाँ से शाम को जल्द ही निकल जाता था। एक दिन जब सुबह में काम पर जाने के लिए घर से निकलने वाला था, तो अचानक से मुझे चक्कर आ गए और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। तो मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने बताया कि मैं अपने काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लेता हूँ, जिस वजह से मुझे चक्कर आ गए थे। और डॉक्टर कहने लगा कि मुझे अपने काम से छुट्टी लेकर कुछ दिन घर पर आराम करना चाहिए, जिससे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। पर मुझे अपने बॉस से छुट्टी मांगने में थोड़ा डर सा लग रहा था। फिर मैंने हिम्मत की और अपने बॉस को फ़ोन किया। मेरी तबीयत की बात सुनकर बॉस भी जल्द ही मेरी छुट्टी के लिए मान गए और मुझे 5 दिन की छुट्टी भी दे दी। मैं बहुत ही खुश हुआ इस बात को सुनकर। पर कुछ ही दिनों बाद मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और अब मेरी तबीयत भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। मैं पूरे 5 दिन बाद वापस अपने काम पर जा रहा था, तो मुझे थोड़ी खुशी भी थी पर थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। जब मैं ऑफिस में पहुंचा, तो मुझे पता चला कि जो लोग मेरे अंदर काम करते थे, किसी वजह से वो भी छुट्टी पर गए हुए हैं। तो सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और वो सारा का सारा काम अब मुझे ही ख़त्म करना था। अब मैं अपने काम को ख़त्म करने में लग गया, पर उस दिन मुझे समय का पता नहीं चला कि कब 9 बज गए थे। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने समय देखा, तो रात के 9 बजे हुए थे। वो समय देखकर मैंने अपने सारे काम को वहीं छोड़ दिया और अपने घर के लिए निकल गया। उस दिन मैं सुबह से काम कर रहा था, जिस वजह से मैं इतना थका हुआ था और मुझे नींद भी आ रही थी कि नींद की वजह से मेरी आँखें भी बहुत ही मुश्किल से खुल रही थी। मैं वहाँ ऑटो का इंतज़ार करने लगा, पर काफ़ी देर तक भी मुझे कोई ऑटो नहीं दिखा और मैं काफ़ी लेट भी हो गया था। इस कारण से मैं पैदल ही चलने लगा, पर आज काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। इस कारण मैं वहाँ एक पेड़ के पास रुक गया और ऑटो का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक ऑटो मेरे पास आकर रुकी और उस ऑटो के अंदर से एक आवाज़ आई, साहब कहीं छोड़ दूँ आपको? उसकी आवाज़ सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी झलकने लगी। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस पेड़ के पास से आकर उस ऑटो के अंदर बैठ गया। उस ऑटो के अंदर बैठते ही कब मेरी आंख लग गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला और मुझे पता ही नहीं था कि वह ऑटो वाला मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद उस ऑटो वाले ने मुझे ऑटो से उतरने के लिए आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। तब मैंने अपने चारों तरफ देखा, तो मुझे पता चला कि उस ऑटो वाले ने ऑटो को किसी के गांव के बीच में रोक रखा है, पर मेरे घर जाने के रास्ते में तो यह गांव कहीं भी आता नहीं था। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह ऑटो वाला मुझे यहां पर क्यों लाया। तब ये गांव देखकर तो मैंने उस ऑटो वाले से पूछा कि आप मुझे किस गांव में लेकर आए हो, तो उस ऑटो वाले ने कहा कि अगर इस गांव के बीच से होकर जाते हैं तो आप अपने गांव जल्दी पहुंच जाएंगे, पर अभी मेरे ऑटो का गैस ख़त्म हो गया है, जिस वजह से मैं आपको गांव लेकर नहीं जा सकता। इतना कहकर वो आदमी अपने ऑटो को धक्का देते हुए वहां से लेकर जाने लगा। मैं भी अब उस गांव की तरफ जाने लगा। उस गांव के अंदर मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गांव और भी बड़ा होता जा रहा है। मैं काफ़ी देर तक उसी गांव में इधर उधर घूमता रहा, पर उस गांव से बाहर निकलने का रास्ता अभी तक मिला नहीं था। मैं अभी उस गांव में घूम रहा था, तभी वहां पर मुझे एक रास्ता दिखा, तो मुझे लगा कि वो रास्ता मुझे इसी गांव से बाहर निकाल सकता है। मैं उस रास्ते की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा, तो वहां मुझे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पुराने घर ही दिखे, पर आगे जाने का रास्ता अभी तक दिख ही नहीं रहा था। तभी मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मेरे पास से गुजरा हो, और ये गांव मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कई सालों से वीरान पड़ा हुआ हो। फिर थोड़ी देर रास्ता ढूंढने के बाद मैं एक घर के बाहर जाकर थककर बैठ गया, तो उस घर के अंदर से किसी के पायल की आवाज़ आने लगी। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा गया और उस घर के बाहर से उठ गया और वहां से तुरंत ही जाने लगा। पर वो गांव एक भोल भुलैया जैसा लग रहा था। मैं उस गांव के चारों तरफ रास्ता ढूंढते हुए वापस उसी घर के बाहर आकर रुक गया। अब तो रास्ता ढूंढते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था और अब तो मुझसे ज़्यादा चला भी नहीं जा रहा था। इस कारण से मैं अपने बड़े भाई को
फोन निकालने के लिए अपनी जेब से फोन निकालने लगा, तभी वो पहल की आवाज मुझे वापस आने लगी। और ये आवाज सुनकर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए मेरे पीछे खड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया, क्योंकि उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी और चेहरे पर निशान बने हुए थे। उसके पैर भी उल्टे थे। और ये सब देखकर मैं अपने पैरों के पीछे की ओर बढ़ने लगा, पर तभी मेरा पैर किसी से जोर से टकराया और मेरा फोन मेरे हाथों से गिरकर वहीं पर टूट गया। और फोन के साथ साथ मैं भी वहीं पर नीचे गिर पड़ा। तभी मेरी नजरें सामने के पेड़ पर गईं और वहां पर जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैंने देखा कि एक औरत उस पेड़ से उल्टी लटकी हुई है। और जैसे ही मेरी नज़र उस पेड़ पर गई तो वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी यह हंसी इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर तो मेरा पूरा शरीर पसीने से गीला हो गया था। आज से पहले मेरे साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी, जिस वजह से मुझे ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा और मैं वहाँ से उठकर भागने लगा। मैं जैसे जैसे भागता जा रहा था, वैसे ही मैंने देखा कि उस गांव के हर घर के अंदर से सफ़ेद कपड़े पहने हुए औरतें और आदमी बाहर निकल रहे थे और वो मेरे पीछे आ रहे थे। कुछ लोगों के चेहरे तो इतनी बुरी तरह से जले हुए थे कि उन्हें देखकर तो कोई भी व्यक्ति बुरी तरह से डर जाएगा। अब मैं भागता जा रहा था, पर उस गांव के अंदर ही एक गली से दूसरी गली के अंदर ही मैं भाग रहा था। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस गांव से बाहर कैसे जाऊं, और मेरा फ़ोन भी टूट गया था, जिस वजह से मैं भागते हुए एक गड्ढे में गिर गया। वैसे तो वो गड्ढा इतना गहरा भी नहीं था, पर मैं जैसे जैसे उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मुझे उसके अंदर खींच रहा हो। मैं कोशिश ही कर रहा था कि तभी मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग मेरे चारों तरफ खड़े हैं और एक अजीब सी नज़र से वो मुझे देख रहे हैं। मैं उन्हें देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर की तरफ खींचने लगा। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि यह मुझे इस गड्ढे से बाहर क्यों निकाल रहे हैं। कुछ पलों के लिए तो मुझे ऐसा लगा मानो यह मुझे यहाँ से बचा रहे हों, पर बाद में पता चला कि वो लोग मुझे बचाने के लिए नहीं, मारने के लिए वहाँ से बाहर निकाल रहे थे। वो लोग मुझे आपस में खींचने लगे, कोई मेरा हाथ खींच रहा था तो कोई मेरा पैर। ऐसा लग रहा था कि ये लोग मेरे शरीर से मेरे एक एक अंग को अलग कर देंगे। मैं अपने आप को उन लोगों से बचाने की कोशिश करने लगा, पर मैं अपने आप को उनसे छुड़ा नहीं पाया। तब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मुझे लगा कि कोई मेरी आवाज़ सुनकर मेरी मदद के लिए आ जाए और इन लोगों से मेरी जान बचा ले, पर वो गांव इतना ज़्यादा सुनसान था कि कोई भी वहां पर नहीं आएगा और अब तो मेरी बचने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। मैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मुझे चिल्लाता देख उन लोगों ने मुझे आपस में खींचना बंद कर दिया और मेरे हाथ पैर भी छोड़ दिए थे। मुझे तो अब और डर सताने लगा कि ये लोग अब मेरे साथ क्या करेंगे, अब मैं इन सब से बच के कैसे जाऊं। और तभी एक औरत मेरे पास आई और मुझे खींचकर एक पेड़ के पास ले गई और मुझे उस पेड़ से बांध दिया। तभी बाकी के लोग उस पेड़ के चारों ओर खड़े होकर बुरी तरह से हंसने लगे। उन सब के दांत काफ़ी बड़े थे और काफ़ी नुकीले भी लग रहे थे। उनके दांतों को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर एक बार कोई इंसान इनके मुंह में आ जाए तो फिर उसका जिंदा बचना मुश्किल है। वो सभी लोग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे और अब मुझे बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, जिस वजह से मैं मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। तभी एक आदमी ने मुझे खाने के लिए मेरे हाथ को अपने मुंह में लेने लगा। तभी मुझे एक झटका लगा और वह बहुत ही जोर से नीचे गिरा और उसका पूरा का पूरा शरीर बुरी तरह से जलने लग गया। और तभी मुझे जिस रस्सी से बांध रखा था वो भी खुल गई। सब लोग उस जलते हुए आदमी के पास गए और उसे देखने लगे। किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं था, इस कारण से मैं दबे पाँव से वहाँ से भाग निकला। मैं सीधा सीधा भागता गया और मन में भगवान का नाम लेता गया। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं उस गांव की बाहर की तरफ आ गया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे इस गांव से बाहर आने का रास्ता कैसे मिल गया, पर बाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि किसी का भी ध्यान मेरे ऊपर नहीं था, जिस वजह से उन शक्तियों ने मुझे रास्ता नहीं भटकाया। पर अभी भी मुसीबत टली नहीं थी, पर मैं अभी भी उसी गांव के पास ही बाहर की तरफ खड़ा हुआ था। मैं उस रोड से भागता हुआ उस गांव से काफ़ी दूर जाने लगा, पर तभी मैंने दूर से देखा कि कोई मेरे सामने की तरफ खड़ा हुआ है।
उसे देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए और अब वह सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। पर अब मैं चारों तरफ से फंस चुका था। अब मैं अपने कदमों को अगर पीछे की तरफ ले जाता तो भी मेरा बचना मुश्किल था, और अब अगर आगे बढ़ता तो भी मेरी जान को खतरा हो सकता था। अब मैं उसी जगह पर रुक गया और अपनी आंखें बंद करके वापस मन में भगवान का नाम लेने लगा। और जब मैंने थोड़ी देर के बाद अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे सामने अब कोई भी नहीं था। अब मैं उस जगह और ज़्यादा नहीं रुक सकता था, जिस वजह से मैं वहाँ से भागने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं उस गाँव से काफ़ी दूर आ गया था, और काफ़ी दूर आने पर अब मुझे वहाँ पर कुछ लोग भी दिखने लगे। मैं एक आदमी के पास गया और उससे फ़ोन लेकर अपने बड़े भाई को फ़ोन करके जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था मैंने वहाँ पर बुला लिया, क्योंकि अब मेरे मन में एक डर बैठ गया था कि अगर मैं किसी ऑटो में बैठा और वापस कहीं फंस गया तो इस बार बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा, जिस वजह से मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन करके बुला लिया था। और जब मैं उन सब बातों के बारे में सोच रहा था तब मैंने सोचा कि मेरा पूरा का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, तो मैं इतना भाग कैसे लिया। बाद में समझ में आया कि अगर मुसीबत पीछे हो तो ना तो व्यक्ति को अपना दर्द दिखता है। थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर पर पहुंच गया और घर जाकर मैंने अपने साथ हुए सारी घटना के बारे में उन्हें बताया। तब घर वालों ने मुझे बताया कि उस गांव में काली शक्तियां निवास करती हैं, और उन काली शक्तियों के कारण से उस गाँव के लोगों ने भी काफ़ी सालों पहले वह गाँव छोड़ दिया है। उस दिन मेरे साथ हुई घटना से मुझे समझ आ गया था कि कभी भी सफ़र करते समय सोना नहीं चाहिए। तब से मैं अपने ऑफिस से अपने घर के लिए जल्दी ही निकल जाता हूँ, पर उस घटना से मेरे मन के अंदर एक डर सा बैठ गया है जिसे मैं आज तक अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।